नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष एपिसोड 2 में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है पितृ दोष। अगर आपका परिवार आर्थिक, मानसिक, संतान उत्पत्ति या अन्य प्रभाव से, अन्य अभावों से पीड़ित है, चाहा गया कार्य हाथ में आते आते फिसलता है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो ही नहीं पाते, होने के बाद रिजेक्ट हो जाते, टूट जाता रिश्ता, निराशा ने आपकी नींद उड़ा दी है। अगर ऐसे ही सवाल आपके भीतर भी है तो जवाब बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक जवाब यह भी है कि हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष हो। जीवन की गाड़ी में ब्रेक क्यों लग गए हैं, राह में स्पीड ब्रेकर जैसे झटके क्यों आ रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो पता कर लीजिए कि कहीं आपकी कुंडली में श्रापित और पितृ दोष तो नहीं है। अपने पितृगणों के निमित्त श्राद्ध नहीं करने, उनकी अवहेलना करने और असंतुष्ट पितृगण अपने वंशजों को श्राप दे देते हैं, तब संबंधित परिवार संकट में गिर जाता है। यही पितृ दोष कहलाता है। हमारी काबिलियत है कि हम फैक्ट्री चला सकते हैं। फैक्ट्री हमने किसी और के लिए चलाई, वो चल गई, लेकिन हमारी फैक्ट्री डूब गई। हम किसी और के लिए काम करते हैं, परफेक्ट काम कर पाते हैं, खुद के लिए करते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कोई नहीं, जब खुशी का मौका आता है तो नजर लग जाती है। हो सकता है कि आपके पितृ आपसे अशांत रहे। अब देखिए कुंडली में कैसे जाने पितृ दोष। सबसे पहले जन्म कुंडली में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम भाव में किसी भी एक भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि, शनि केतु, राहु शनि, राहु शनि का दृष्टि संबंध, तो इंसान की कुंडली में पितृ दोष होता ही है। कुंडली के जिस भाव में ऐसा योग होता है उसके ही अशुभ फल इंसान को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रथम भाव में सूर्य राहु, राहु शनि या जो मैंने बताया वो योग हो तो निश्चित मानिए कि वह व्यक्ति अशांत, गुप्त चिंता, अज्ञात भय, मैरिटल लाइफ और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से घिरा रहेगा। दूसरे भाव में यह योग हो तो परिवार में वैमनस्य तथा आर्थिक उलझने, पैतृक संपत्ति का मसला कई पीढ़ियों तक भी चल जाता है। चतुर्थ भाव में पितृ दोष होने के कारण मकान, जमीन और जमीन जायदाद, मां, गृह सुख, गाड़ी से तकलीफ आती है। नई गाड़ी खरीदते हैं, खराब हो जाती है। आपको तरह तरह के प्रॉपर्टीज के नुकसान भोगने पड़ते हैं। पंचम भाव में आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, पढ़ाई से सुख नहीं मिल पाता है। संतान न होना, संतान होने के बाद उससे दुखी होना, लव लाइफ में आपकी जो प्रेम की गंगा है वो न बहे और वह सूख जाए प्रेम। सप्तम भाव में यही योग मैरिज होने नहीं देता है, हो जाए तो इंसान की मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, बिजनेस हो नहीं पाता है, होता है तो चौपट हो जाता है, भाग्य उन्नति में बाधाएं आती है। दशम भाव में पितृ दोष हो तो इंसान का नौकरी बार बार बदलना तय है। पिता को तरह तरह के कष्ट आते हैं, पिता से परेशानियां हो जाती है, पिता को लीगल कॉम्प्लिकेशन, पिता को बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। प्रत्येक भाव के अनुसार उसके फलों का विचार होता है। मान लीजिए यदि सूर्य नीच राशि में होकर राहु अथवा शनि के साथ बैठे हैं तो पितृ दोष अधिक होता है। दशम भाव का स्वामी छठे, आठवें, बारहवें भाव में हो और इसका राहु से कोई संबंध हो जाए तो इंसान की कुंडली में घोर पितृ दोष होता है। अगर आठवें या बारहवें भाव में गुरु राहु चांडाल दोष हो जाए, पंचम भाव में सूर्य शनि अथवा मंगल आदि क्रूर ग्रहों का अंगारक दोष से पीड़ित हो तो पितृ दोष के कारण संतान नहीं होती है, संतान का कष्ट होना और संतान कई बार 10, 12, 15 साल की उम्र में एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अगर पंचमेश संतान कारक ग्रह राहु के साथ त्रिक भाव में स्थित हो तथा पंचम में शनि अथवा क्रूर ग्रह हो तो संतान सुख उपलब्धि नहीं हो पाता है। राहु अथवा शनि के साथ मिलने से अनेक कष्टकारी योग बनते हैं जो पितृ दोष की भांति ही अशुभ फल प्रदान करते हैं। प्रिय साथियों, आपने पितृ दोष के बारे में तो जान लिया, मेरे से कई बार प्रेत दोष के बारे में भी आपने पूछा है और मैंने जवाब दिया है। आखिर प्रेत दोष क्या होता है? जब किसी की अनएक्सपेक्टेड डेथ घर में होती है, अब एक्सपेक्ट तो किसी की डेथ होती नहीं है, लेकिन कम उम्र, जो आज के दौर में हम बात करें 10, 12 साल, 20, 25, 50 साल की उम्र में अगर बिना किसी बीमारी के अचानक डेथ हो जाए और वह इंसान के बारे में सब लोग कहे कि बिल्कुल अच्छा भला था पर आज डेथ कैसे हो गई, या फिर किसी की दर्दनाक मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में और वो सुसाइड कर ले, ऊपर से गिर जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह प्रेत योनि में चले जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी आत्मा भटकती रहती है।
असामयिक मृत्यु होने से वे अपने जीवन की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते और इस वजह से परिवार से मोह और अपने हथियारों को सजा दिलाने के लिए उनकी आत्मा भटकती रहती है। इसे ही प्रेत दोष कहते हैं और ऐसा फिल्मों में भी अक्सर देखा गया है कि प्रेत, वो भूत प्रेत जो घूमते रहते हैं, इसकी शांति नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी और श्राद्ध द्वारा ही हो सकती है। अब यहां से वो 11 पॉइंट जानिए जिस पर आप पितृ दोष, श्रापित दोष, प्रेत दोष को शांत कर सकते हैं। आपके व्यापार में बाधा आती है, घर में कोई ना कोई रोग होता है, ग्रह कलेश होता है या परिवार में विवाह योग्य संतान के संबंध में बाधाएं होती है, इसका कारण पितृ दोष हो सकता है अथवा ऐसा श्रापित चांडाल दोष, काल सर्प योग, गहनी अंगारक जैसे दोषों से पीड़ित है तो उन्हें बचने के उपाय जरूर करने चाहिए और इसके लिए शनिवार या मंगलवार या अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं, प्रत्येक शनिवार काले कुत्ते को इमरती खिलाएं, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ घर में होना चाहिए या उसे सुन भी सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन 125 ग्राम जौ किसी बर्तन में रखकर सोते समय अपने सिरहाने के पास में रख दें। अगले दिन सुबह ओम राम राहुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए जौ पक्षियों को चुगने हेतु डाल दीजिए। श्राद्ध पक्ष के अलावा यदि यह प्रयोग करें तो प्रति शुक्रवार की रात और शनिवार की प्रातः करें, ऐसा 21 शनिवार तक लगातार करें तो मजा आ जाएगा। अपने पितरों पूर्वजों के निधन की तिथि पर जरूरतमंद लोगों और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन में अपने अपने पूर्वजों के पसंद की चीजें स्वयं अपने हाथ से बनाकर परोसनी चाहिए और सम्मान पूर्वक खिलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न का भी दान दे सकते हैं। घर के आसपास पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए ऐसे उल्टे कान पकड़कर दंड बैठक करें और उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। पितृदोष होने पर गरीब कन्या के विवाह में भी आपको मदद करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरीब और बीमार लोगों का इलाज करवाने से पितृदोष शांत होता है। इस उपाय को करने से खासा लाभ होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो, श्रापित दोष, प्रेत दोष हो, वह गाय का दान करे तो बहुत ही लाभकारी होता है। आप चाहें तो प्याऊ बनवाएं या फिर जगह जगह पानी के घड़े रखवा कर राहगीरों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष को दूर करने के लिए आप चाहें तो पीपल और बरगद के पेड़ लगाएं, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से भी पितृदोष शांत होता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। घर में हमेशा झगड़ा फसाद रहता है, कटुता, वैमनस्य, घर में 4-5 लोग हैं लेकिन ऐसा लगता है कि किसी पेइंग गेस्ट में रह रहे हैं, तो ऐसे में मानसिक अशांति, घर का वातावरण बहुत ही दूषित हो जाता है। इससे मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष किसी भी दिन या फिर अमावस्या को शिवलिंग पर गन्ने का रस और इत्र मिलाकर अभिषेक करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से बहुत पुण्य और लाभ मिलता है। प्रिय साथियों, जीते जी तो हम अपने माँ, बाबूजी और अपने परिवार के लोगों का खूब ध्यान रखते हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अर्थी को कांधा देते समय ये जरूर राम नाम सत्य बोलते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हमने अर्थी को कांधा दिया, बड़ा पुण्य का काम किया। जीते जी उस इंसान का साथ दीजिए और मरणोपरांत सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध कीजिए और जब आप ये काम करते हैं तो पितरों को तृप्ति मिलती है और आपको आशीर्वाद मिलता है और यही चीजें आपके बच्चे आपसे देखेंगे और बच्चे भी हमारे लिए करेंगे। आप ना अमर होकर आए ना मैं अमर होकर आया हूं, हमारी मृत्यु तय है और उसके बाद बच्चे हमारे लिए भी यही श्राद्ध कर्म करेंगे ताकि हमें मोक्ष मिल सके, हमें तृप्ति मिल सके। प्रिय साथियों, आप अपने पूर्वजों का खूब सच्ची श्रद्धा से दान पुण्य करें, जो भी आपकी श्रद्धा है, और सच्ची श्रद्धा के साथ क्रिया प्रधान है श्राद्ध, उसे करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कुंडली से पितृदोष समाप्त होगा और जीवन से जो सुख समृद्धि का ग्रहण लगा हुआ था वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं आपके पूर्वजों को और ईश्वर को नमन करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि आप सबका भला हो। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।